हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोविंग यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक है नाउन। ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन और प्लेस और एनिमल और अ थिंग। किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान और किसी भी जीव जंतु या कोई चीज़ है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है। कौन सी चीज़ें जो नाउन होती है? वो दो तरह की चीज़ें होती हैं, फिजिकल चीज़ें एंड नॉन फिजिकल चीज़ें। फिजिकल चीज़ें जैसे यहाँ पे मैंने स्टार मार रखा है बॉडी। बॉडी यानी कि जो बॉडी को टच कर सके या उनको छू सके। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे एयर, हवा, लाइट, सूरज से जो किरणें आती है वो उनकी बॉडी को छूती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, हवा ठंडी लगती है कभी, तो ये सब चीज़ें अपनी बॉडी को छू सकती है। किसी व्यक्ति का नाम, कोई व्यक्ति अपन उसको छू सकते हैं। किसी जगह का नाम, किसी जगह को अपन छू सकते हैं, वहाँ जाते हैं किसी मंदिर में। ये सब चीज़ें क्या हो गई? फिजिकल चीज़, जैसे कोई बुक, कोई रजिस्टर, कोई कार, कोई मकान, कोई घर, कुछ भी चीज़ें, जैसे फाइल, कुछ भी चीज़ें, वो सब किसी में आती है, फिजिकल थिंग्स। अब बात करते हैं नॉन फिजिकल थिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पे मैंने माइंड पे स्टार मार लग कर रखा है, यानी कि माइंड, जो माइंड को छूती है यानी कि दिमाग को छूती है। अब कितनी तरह की होती है? चार तरह की: मेंटल एक्टिविटीज़, क्वालिटीज़, प्रोसेस एंड स्टेट। पहले बात करते हैं मेंटल एक्टिविटीज़ की। इसमें आता है नॉलेज, ज्ञान, आइडिया, विचार, फीलिंग, इमोशन, थिंकिंग। ये सब चीज़ें क्या अपने दिमाग से खेलती है, दिमाग के साथ खेलती है। इनका अपन पता कर सकते हैं कि हाँ ये नॉन फिजिकल, क्योंकि अपन इनको छू थोड़ी ना सकते। ज्ञान को छू नहीं सकते, विचारों को छू नहीं सकते, इमोशंस को नहीं छू सकते। वैसे ही अगला है क्वालिटी, ब्यूटी, सुंदरता, होनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी। ये सब चीज़ें हम यहाँ इन चीज़ों को छू नहीं सकते, बस इन चीज़ों को अपन दिमाग में फील कर सकते हैं कि हाँ वो बहादुर है, वो सुंदर है, वो ईमानदार है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अगला है प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस, जैसे सिलेक्शन, किसी का सिलेक्शन हुआ, अब सिलेक्शन हुआ उसको छू थोड़ी ना सकते, उसका सिलेक्शन हो गया। एडमिशन, मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को हम छू नहीं सकते, इसलिए किस में आती है? नॉन फिजिकल्स में। ये नाउन है सारी की सारी। ठीक है, लास्ट है स्टेट। चाइल्डहुड, इलनेस, रिचनेस, ये सब चीज़ें क्या है? स्टेट है किसी भी इंसान की। जैसे इन चीज़ों को अपन छू नहीं सकते, बस इनको देख सकते हैं, हाँ यह बचपन था मेरा, यह मेरी जवानी है, यह बुढ़ापा है। ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आती है? नॉन फिजिकल्स में। तो कितनी तरह की हो गई नाउन? मेनली दो तरह की, फिजिकल, नॉन फिजिकल। फिजिकल में हो गई जो अपनी बॉडी को छू सकती है वो फिजिकल हो गई, जो अपने माइंड को छूती है वो नॉन फिजिकल हो गई। ये तो हो गए नाउन के प्रकार। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो अपन पता करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, पहचान कैसे करें नाउन की? इसका एक ही रूल है, सिंपल सा, बहुत कॉमन रूल है। यूज पॉजिटिव वर्ड बिफोर द नाउन। नाउन के पहले पजेसिव वर्ड को यूज़ करो। पजेसिव वर्ड यानी तुम्हारा या तुम्हारी। जैसे पेन का पता करना है, पेन नाउन है या नहीं है। ठीक है, तो इसका पता कैसे करें? पेन, पेन के जस्ट पहले लगा दो पजेसिव वर्ड, तुम्हारा या तुम्हारी, तुम्हारा पेन। अब जैसे बोलने में तुम्हें अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, जैसे तुम्हारा पेन, हाँ अपन नॉर्मली बोलते हैं तुम्हारा पेन, यानी कि जैसे सही लगे वैसे समझ जाओ कि यह पेन जो है नाउन है। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ते हैं, बुक का पता करें, तो बुक के आगे लगा दो पजेसिव वर्ड तुम्हारा, तुम्हारी बुक या तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारी कुछ भी लगा दो, तुम्हारी बुक सही बैठ गया तो नाउन है। ब्यूटी के आगे लगाओ ब्यूटी यानी सुंदरता, सुंदरता के आगे तो लगाओ पजेसिव वर्ड तुम्हारा या तुम्हारी, अगर सही बैठ गया तो सही लगाया, तो तुम्हारी सुंदरता सही है, तो सही है लगा दिया। ठीक है, अब जो है बहुत सी बार अपन को क्या है कि ब्यूटी को अगर अपन एडजेक्टिव में बदलना हो, एडजेक्टिव क्या होता है, हम अगला टॉपिक जो है हमारा वो एडजेक्टिव है। हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो एडजेक्टिव बनाएंगे, उसमें अच्छे से बताएंगे एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, कैसे पता चलता है कि एडजेक्टिव है, कैसे कन्वर्ट होता है नाउन से, कैसे काम करता है नाउन के लिए, कैसे कन्वर्ट होता है नाउन से एडजेक्टिव। तो ऐसे ब्यूटी नाउन है, सुंदरता, अब उसकी उसका जो कन्वर्ट करते हैं अपन एडजेक्टिव में तो बन जाएगा ब्यूटीफुल, सुंदर। ठीक है, अब सुंदर जो है वह नाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, अब जैसे इस लाइन है तुम्हारा सुंदर चेहरा, तुम्हारा सुंदर चेहरा, अब यहाँ पे सुंदर जो है वो एडजेक्टिव है, योर ब्यूटीफुल फेस। अगर यहाँ पे अपन अगर डाल देते, जैसे यहाँ ब्यूटी डाल देते, योर ब्यूटी फेस, तुम्हारा
सुंदरता, चेहरा, सही नहीं बैठ रहा ना। तो जो है वो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, ना कि नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव को पहचानने का अगला एक अलग मेथड है, वो अगले वीडियो में बता दूंगा आपको कैसे एडजेक्टिव पहचानते हैं। फिलहाल अपन नाउन के बारे में बात करते हैं। अगला है एग्जांपल, जैसे मैंने बोला था अभी, तुम्हारा सुंदरता चेहरा, तो योर ब्यूटी फेस, ये गलत है। ये इसके साथ फेस के साथ ब्यूटी बैठ ही नहीं रहा, नाउन के आगे नाउन आ रहा है। नाउन के आगे नाउन आ सकता है बट नॉर्मली यहाँ पे एडजेक्टिव आता है, 99.99% में यहाँ पे एडजेक्टिव आता है। कुछ एक अलग केसेज होते हैं वो आगे बताऊंगा मैं, कहाँ पे नाउन के आगे नाउन आ सकता है, वो कैसे उसकी विशेषता बताता है, तो आगे पढ़ेंगे अपन। जैसे अपन वीडियो बनाते जाएंगे अगले, कंटिन्यू देखते रहना यूट्यूब चैनल को, मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगा या दो दिन में एक वीडियो डालूंगा, पूरी इंग्लिश कवर करेंगे अपन इसमें, और एकदम इजी वे में समझेंगे, बिल्कुल जैसे हिंदी सीखते हैं वैसे, जैसे मैथ सीखते हैं एकदम, जैसे प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे इंग्लिश में भी एक प्रॉपर मेथड होता है कि कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे पूरा देखेंगे। जैसे अब ये तुम्हारा सुंदर, तुम्हारा सुंदर क्या, अब जैसे ये एडजेक्टिव था ना, मैंने बताया भी यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तुम्हारा सुंदर, अब सुंदर आगे पूछ रहा है क्या, तो ये सेंटेंस अधूरा है, यानी कि गलत है। अब यहाँ पे तुम्हारा, तुम्हारी सुंदरता होता तो सही था, तुम्हारी सुंदरता हाँ कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारा सुंदर आगे पूछ रहा है क्या, मेरा सुंदर क्या पूछ रहा है तुमसे, क्या मेरा सुंदर चेहरा, तो चेहरा यहाँ पे क्या हो जाएगा नाउन, और सुंदर हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव, यानी कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटी नाउन हो जाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल है और, जैसे तुम्हारा होनेस्ट फ्रेंड, तो होनेस्ट, होनेस्टी तो क्या होती है, तुम्हारी होनेस्टी, ये तो हो जाएगा होनेस्टी, क्या हो जाएगा यहाँ के नाउन। लेकिन उसकी अगर तुम्हारा होनेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड फ्रेंड क्या है यहाँ पे नाउन, और नाउन की विशेषता बनाने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो होनेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारी ब्रेवरी, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी बहादुरी, यहाँ बहादुरी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसका अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तुम्हारा बहादुर फ्रेंड, बहादुर यानी तुम्हारा ब्रेव फ्रेंड, योवर ब्रेव फ्रेंड, तो ब्रेव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख रहा है तुम्हारा ब्रेव फ्रेंड, एडजेक्टिव ब्रेव हो जाएगा, फ्रेंड नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे सिंपल सा, जैसे किसी भी वर्ड का पता करना है, जैसे कोई भी वर्ड सामने आ जाए उसका पता करना है नाउन है या नहीं है, सिंपल सा ट्रिक पकड़ो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी रियलिटी, रियलिटी नाउन हो जाए। जैसे फ्रेंड का पता करना है, फ्रेंड नाउन है या एडजेक्टिव है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा फ्रेंड, सही बैठ के ये नाउन है। किसी बुक का पता करना है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, सही बैठ के बुक नाउन है। किसी भी रजिस्टर का पता करना है, तुम्हारा पेन, रजिस्टर नाउन है या एडजेक्टिव पता करना है, तो तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा रजिस्टर, मतलब तुम्हारा लगा दो नाउन के पहले, अगर सही बोलने में लग रहा है, अपन अच्छे से बोल पाते, समझ पाते, सुनने में अच्छा लगता है, तो समझ जाओ कि वो नाउन है। ठीक है, जैसे अभी ये अगला वर्ड है अवेयर, यहाँ पे पता करना है कि अवेयर नाउन है या एडजेक्टिव, अवेयर को लगाओ, तुम्हारा लगाओ अवेयर के आगे, तुम्हारा अवेयर, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पूछ रहा है आगे, तुम्हारा अवेयर, अवेयर क्या, अवेयर क्या, तो ये अवेयर आगे पूछ रहा है कुछ। जैसे अगर अपने फ्रेंड लगा दिया गया, तुम्हारा अवेयर फ्रेंड, तुम्हारा अवेयर फ्रेंड एकदम सही बन गया, यानी कि फ्रेंड जो हो गया नाउन और अवेयर हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। अवेयर यानी क्या होता है, जागरूक। ठीक है, जागरूक, तुम्हारा अवेयर फ्रेंड, तुम्हारा जागरूक दोस्त। अब यहाँ पे इसको अगर अवेयर को नाउन में बदल देते तो अवेयरनेस हो जाएगा, तो तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी जागरूकता, तो ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं ये मतलब रोज़ में एक या दो दिन में वीडियो डालूंगा, उसको देखना पूरा एकदम इंग्लिश ऐसे ही हो जाएगी जैसे चुटकियों में सोल्व करोगे उसको। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सिलेक्शन, सिलेक्शन का पता करना है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन सही लगा बोलने में, यानी कि ये नाउन है। फ्रेशनेस, तो फ्रेशनेस, तुम्हारी फ्रेशनेस सही है, इसको अगर एडजेक्टिव में बदले तो तुम्हारा फ्रेश दोस्त। जैसे फ्रेश आम, आम क्या है, फ्रेश, तो फ्रेश क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और फ्रेशनेस एडजेक्ट नाउन हो जाएगी, ना कि एडजेक्टिव। नेचर, तुम्हारा नेचर सही है, तुम्हारा नेचर बोलने में अच्छा लग रहा है, तुम्हारा पॉजिटिव वर्ड लगाया नेचर के आगे, तो ये भी नाउन रहेगा। तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा हिंदुइज्म, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा बिहेवियर। अब अगर तुम ऐसे ट्रिक्स होती है कोचिंग में पढ़ाते हैं कि जैसे आई ओ एन देख लो, एन ई एस देख लो, यू आर ई देख लो, पीछे के वर्ड देख लो, टी एस लगा लो, आई ओ एन लगा लो, है ना, शिफ्ट लगाओ, वाई एस एम लगाओ, ओ यू आर लगाओ, ये कुछ एक है ट्रिक्स जो मतलब रटनी पड़ती है, बट अगर तुम्हारा, तुम्हारे से देखोगे तुम, तो तुम्हारी नाउन से पता चल जाएगी चुटकियों में कि हाँ ये नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, क्या है ना। ये सब कवर करूंगा मैं स्टेप स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार की होती है,
डाइट एंड डाइट एक्टिव पेशी पूरी इंग्लिश, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हेल्पफुल रहेगी तुम लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए। वो सारा बताऊंगा मैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं हर एक चीज़ को इंग्लिश में। अब जैसे कुछ अलग चीज़ है, जैसे रिलेशन और रिलेशनशिप में डिफरेंस क्या होता है। रिलेशन होता है कॉन्टेक्ट में रहना, जैसे दोस्त एक दोस्त के कॉन्टेक्ट में, तो वह रिलेशन में है। बट किसी बंधन में रहना वह रिलेशनशिप होता है। बंधन में रहना मतलब जैसे भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, एक बंधन है वो, तो वो रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एक बार पूरा अच्छे से और बता देता हूँ मैं कैसे नाउन फाइंड आउट करते हैं। नाउन का कुछ दो तरह की नाउन होती है, फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल जो बॉडी को छूती है, नॉन फिजिकल जो दिमाग को छूती है। जैसे मेंटल एक्टिविटी, नॉलेज आ जाएगी उसमें, क्वालिटी में ब्यूटी आ जाएगी, प्रोसेस में सिलेक्शन आ जाएगा, स्टेट में इलनेस आ जाएगी, ये सब चीज़ें है ना। बाय आइडेंटिफिकेशन इससे इजी कोई बता नहीं सकता आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है तुम्हारा या तुम्हारी अलग हो। सिंपल सा जैसे अपन बचपन में याद करते हैं, कोई छोटी कक्षा में बताते हैं ऐसे पता कर लो, वैसे इसको हैबिट में ले लो किसी भी चीज़ के आगे। जैसे पता करना है नाउन है या नहीं है, तुम्हारा तुम्हारी लगा तो सिंपल सा उसके आगे, अगर बोलने में सही लगा तो वो नाउन है, बोलने में सही नहीं लगा तो नाउन नहीं, वो कुछ और है। और जैसे वो एडजेक्टिव सा लगा तो उसके आगे, अगर एडजेक्टिव होगा ना तो किसी चीज़ की विशेषता बता रहा हो, बीच में कुछ ऐसा चिंगारी सी लग रही होगी कि आगे कुछ पूछ रहा है। जैसे तुम्हारा अवेयर, यार अवेयर तुम्हारा अवेयर क्या 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 पूछ रहा है ना अपने आप ही, तो उसके आगे कुछ नाउन चाहिए, तुम्हारा अवेयर दोस्त, तो अवेयर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे तुम्हारा सुंदर चेहरा, तुम्हारी सुंदरता, ये सब तुम्हारा सुंदर चेहरा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूटीफुल तुम्हारी सुंदरता यहाँ पे नाउन हो जाएगी, है ना। ये सब चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाउन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगला जो वीडियो बनाएंगे हम वो रहेगा एडजेक्टिव के बारे में, कि कैसे एडजेक्टिव को फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसको पता करते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे पता करते हैं, क्या इसकी ट्रिक होती है। जैसे तुम्हारा तुम्हारी है ना, वैसे उसमें भी कुछ है जो बहुत ही बहुत ज़्यादा ईजी है आपको उसको सुनने में या बोलने में, ऐसे चुटकियों में निकालोगे उसको बोल बोल के कि क्या एडजेक्टिव है, क्या नाउन है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और ये मेरा पहला वीडियो था, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं थोड़ा मेरा मोटिवेशन अच्छा हो सके, कि मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बाकी लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।